नमस्कार, मैं हूँ चंद्रकांता राजपुरोहित और आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल सीकेआर किचन में। तो फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बना रहे हैं राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध गट्टे की पुलाव की रेसिपी, जो कि गट्टा पुलाव राजस्थान में परंपरा से शादी पार्टियों में बनाया जाता था। बहुत ही प्रसिद्ध ये रेसिपी है राजस्थान की। तो सबसे पहले गट्टा पुलाव बनाने के लिए हम गट्टे बना के तैयार करेंगे। तो ये हमने हाफ कप बेसन ले लिया है। तो बेसन में हमको मसाले मिलाने हैं कुछ। तो ये मसाले हम इस प्रकार लिए हमने 1.5 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक ले लिया है और 1/2 चम्मच अजवाइन और 1/2 चम्मच ही हमने ले लिया है सौंफ। तो ये सारा हम बेसन में मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हमें डालना है मोइन। आप चाहे तो घी का डाल सकते हैं, चाहे तो ऑयल का भी डाल सकते हैं। तो ये हमने ले लिया है 1 चम्मच के करीब ऑयल और एक बार इसको हम अच्छे से मिक्स करके देखेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अगर ये ब्रेड क्रम्स की तरह हो जाए या फिर हाथ से अगर आप बाइंड करके देखें तो मुट्ठी बंध जाए, उतना हमको इसमें मोइन डालना है, तभी आपके जो गट्टे हैं वो मुलायम बन के तैयार होंगे। मोइन अगर आप यहाँ कम रखेंगे तो आपके जो गट्टे हैं वो काफ़ी हार्ड हो जाएंगे। तो देखिए ये मोइन इसमें बिल्कुल सफिशियंट है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मुलायम आटा लगा के तैयार करेंगे। तो बेसन पानी कम लेता है तो हम चम्मच के हिसाब से डालेंगे। तो ये 2 चम्मच के करीब मैंने पानी डाल लिया है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। बेसन शुरुआत में मुलायम होता है लेकिन थोड़ी देर अगर हम रख लें तो वो हल्का सा हार्ड हो जाता है। तो एक बार हम मुलायम आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। तो ये 2 चम्मच पानी से ही हमारा जो डो है वो लग के तैयार हो गया है। तो इसको हम हाथ से थोड़ा अच्छे तरीके से बाइंड कर लेते हैं। तो ये इस तरीके का मुलायम हमने आटा लगाया है। तो थोड़ी देर अगर हम इसे रख देंगे 1 मिनट के लिए भी तो ये हल्का सा हार्ड हो जाएगा। हाथ को थोड़ा सा हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं, 1-2 ड्रॉप ऑयल डाल लेते हैं हाथ पे, ताकि ये जो बेसन है वो हमारे हाथ पे चिपकेगा नहीं। और इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से मसल के हम चिकना कर लेंगे, ताकि ये जो एकदम चिकना स्मूथ आटा हो जाए तो जो इसके गट्टे हैं वो अच्छे बन के तैयार होंगे। अब इसके हम छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लेते हैं और इसके हम गट्टे बना के तैयार करते हैं। तो बस हाथ को हल्का सा ऑयल से हम ग्रीस कर लेंगे और 1 टुकड़ा ले लेंगे और इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में लेते हुए इस तरीके से हम रोल बना लेंगे इसका और ये हमारा एक गट्टा बन के तैयार है। इसी तरीके से सारे गट्टे हमको बना के तैयार कर लेने हैं। बहुत ही इजी तरीका है ये। और ऐसे अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप किचन प्लेटफॉर्म पर भी रख के इसको रोल कर सकते हैं या फिर रोटी बेलने वाला जो चकला होता है उस पर रखकर आप इस तरीके से रोल करेंगे तो भी इजीली आपके जो गट्टे हैं वो बनके तैयार हो जाएंगे। तो ये सारे गट्टे हम इसी तरीके से बना, तो गट्टे हमने सारे बना लिए हैं और इधर हमने थोड़ा पानी बॉइल करने के लिए रख दिया है। तो पानी हमको उतना लेना है कि गट्टे हमारे पानी में अच्छे तरीके से डिप हो जाए और पानी को अच्छे तरीके से उबाल लेंगे। उबलते हुए पानी में हम गट्टों को डाल देंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है कि पानी हमारा खौलता हुआ होना चाहिए। पानी अगर आपका उबलता हुआ नहीं होगा तो जो गट्टे हैं वो पानी में जाके घुल जाएंगे। तो ये उबलते हुए पानी में हमने गट्टे डाल दिए हैं। गैस को हम मीडियम कर लेंगे और गट्टों को हम कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो 8 से 10 मिनट हमारे गट्टे बॉईल हो रहे हैं तब तक हम चावल को धो के तैयार कर लेंगे। तो ये हमने 1 कटोरी के करीब यानी कि 1/2 कप के करीब ये बासमती राइस हैं, इनको हम 4-5 बार अच्छे तरीके से धो लेंगे और 10 मिनट जब तक हम दूसरी तैयारियां कर रहे हैं तो इनको हम भिगो के रख देंगे। तो 10 मिनट में ये भीग के तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए 7 से 8 मिनट में जो हमारे गट्टे हैं वो उबल के तैयार हो गए हैं। तो गट्टे के ऊपर जो ये छोटे छोटे दाने निकल गए हैं इसका मतलब है कि गट्टे हमारे अच्छे तरीके से पक गए हैं। तो गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर लिया है और जिसमें हमने गट्टे का डो लगाया था उसी बर्तन में इसको हम निकाल लेते हैं एक एक करके। तो अब इन गट्टों को हम 5 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं और फिर हम इन्हें टुकड़ों में काट के तैयार कर लेंगे।
तो ये 5 मिनट हमने गट्टों को ठंडा कर लिया है। तो अब इसके हम छोटे छोटे टुकड़े करके तैयार कर लेते हैं इस तरीके से। तो सभी को एक ही साइज में हम काट के रेडी कर लेंगे। तो ये सारे गट्टे हमने एक ही साइज की कटिंग करके तैयार कर लिए हैं। और यहाँ हमने ले लिया है 2 आलू, जिसको हमने इस तरीके से लंबे लंबे आकार में कटिंग करके तैयार कर लिया है। और एक बड़े साइज का प्याज, उसको भी हमने लेयर्स में कटिंग कर लिया है। और थोड़े से हमने काजू और किशमिश ले लिए हैं। तो इनको और गट्टों को हम ऑयल में फ्राई करके पहले निकाल लेंगे। तो ये हमने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। तो ऑयल हमें उतना लेना है कि जो सारी चीजें हमारी आसानी से फ्राई हो जाएं, बहुत ज्यादा ऑयल लेने की भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम आलू को फ्राई कर लेते हैं। तो गैस का जो फ्लेम है वो हम थोड़ा स्लो कर लेंगे। सारे आलू जो है हम ऑयल में डाल लेते हैं और इनको हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हैं। आलू हमारे लगभग 70-80% पक जाने चाहिए और आलू को जो कलर भी है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो बीच बीच में इनको हम ऊपर नीचे करते हुए फ्राई करेंगे, वरना आपके जो आलू है एक तरफ से ज्यादा डार्क हो जाएंगे अगर आप इसको चलाएंगे नहीं तो। तो ये आलू हमारे हो गए हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं। जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निथारते हुए हम सारे आलू निकाल लेंगे। तो आलू का कलर चेंज हो गया है और हल्के से ही क्रिस्पी हो गए हैं। इसी तरीके के हमको करने हैं। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज और प्याज को भी हम इसी तरीके से लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर लाइट ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा चलाते रहेंगे ताकि जो प्याज की लेयर्स है वो सारी अलग अलग हो जाएगी। तो ये हमारी प्याज भी ब्राउन हो गई है, तो इसको भी हम फटाफट से निकाल लेते हैं। तो ये प्याज को भी हमने निकाल लिया है। इससे ज्यादा हमको प्याज को फ्राई नहीं करना है, वरना आपकी प्याज जल जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हम ये काजू के टुकड़े और किशमिश को भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करेंगे। काजू और किशमिश जो है हमारे बिल्कुल भी जलने नहीं चाहिए, हल्का सा इनको हम फ्राई कर लेंगे, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए। ये किशमिश हमारी तुरंत ही फूलनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए कुछ ही सेकंड में फ्राई होकर रेडी हो गए हैं, सारी किशमिश फूल गई है, तो फटाफट निकाल लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट भी हमने फ्राई कर लिए हैं। तो अब सबसे लास्ट में हम ये गट्टे डालेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि गट्टे सबसे लास्ट में ही हमको फ्राई करना है। तो गैस को बिल्कुल उसी तरीके से हम मीडियम रखते हुए इनको ऊपर नीचे करते हुए फ्राई करना है लगभग 2 से 3 मिनट, ताकि ये अंदर तक अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। तो इनको फ्राई करने के हमारे जो 2 रीजन है, एक तो फ्राई करने से ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे पुलाव में, और दूसरा ये पुलाव के अंदर गलेंगे नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से साबुत बने रहेंगे। और सबसे लास्ट में हमने गट्टों को डीप फ्राई किया है, उसका कारण है कि गट्टों को फ्राई करते हैं तो ऑयल में थोड़ा सा बेसन निकल जाता है, तो फिर दूसरी चीजों को हमें डीप फ्राई करने में दिक्कत होती है, इसलिए इसको लास्ट में आपको फ्राई करना है। तो ये लगभग 3 मिनट हमने गट्टों को भी फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए कलर चेंज हो गया है और एकदम हल्के से क्रिस्पी हो गए हैं हमारे गट्टे। तो अब इनको भी हम निकाल लेंगे कढ़ाई से बाहर। देखिए बहुत ही अच्छे कुरकुरे हो गए हैं हमारे गट्टे। तो सभी को बाहर निकाल लेते हैं फटाफट। तो गट्टे बाहर निकालने के बाद में हम अब पुलाव में तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। तो ये ऑयल थोड़ा सा हमारा ज्यादा है, तो इसमें से हम 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल निकाल देंगे और 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल इसमें कढ़ाई में हम रखेंगे। तो अब हम पुलाव बनाने की तैयारी करते हैं। तो ऑयल हमारा पहले से गर्म है, तो ऑयल में हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और जीरे को हल्का सा फ्राई होने देंगे।
तो जीरा यहाँ फ्राई हो गया है, तो हाफ चम्मच हींग डाल देंगे, तो हींग टेस्ट भी बढ़ाएगा और हमने इसमें बेसन की गट्टे यूज किए हैं तो डाइजेशन में भी हेल्प करेगी। दो डाल देते हैं तेज पत्ता, एक टुकड़ा दालचीनी का, और दो हम डाल देते हैं इसमें लौंग, और चार से पांच काली मिर्च। अगर आप चाहें इसमें तो बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं। इनको हल्का सा फ्राई होने देते हैं ताकि जो इसका स्वाद है वो अच्छे से ऑयल में आ जाए। और सभी खड़े मसालों के फ्राई होने के बाद में इसमें हम डाल देंगे दो लंबी कटी हुई हरी मिर्च और 8 से 10 फ्रेश करी लीव्स और एक बड़ा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट या फिर कुटा हुआ, मैंने यहाँ पे मोटा मोटा कूट के ले लिया है, 8-10 कलियां लहसुन की और एक टुकड़ा अदरक का। आप चाहें तो पेस्ट भी ले सकते हैं लहसुन अदरक का। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो सारे मसाले अच्छे तरीके से हल्के फ्राई हो गए हैं। तो अब एक बड़े साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे, एक बार थोड़ा मिक्स कर लेते हैं ताकि जो ऑयल है उसमें टमाटर का रस थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, तो ये बाकी वाले मसाले हमारे जलेंगे नहीं। तो ये मिक्स कर लिया हमने, अब इसमें हम डालेंगे ड्राई मसाले। गैस का जो फ्लेम है वो हम स्लो रखेंगे, तो ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच बड़ा धनिया पाउडर और 1 चम्मच ही मैं यहाँ डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा या कम आप कर सकते हैं। और टेस्ट के हिसाब से हम डाल देंगे नमक। तो इन सभी मसालों को एक बार मिक्स कर लेते हैं, फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे ताकि मसाले हमारे जलेंगे नहीं। तो इनको बिल्कुल फ्लेम स्लो फ्लेम पर कुछ सेकंड्स के लिए थोड़ा पकने देंगे। तो ये मसाले हमारे पक गए हैं 1/2 मिनट में लगभग। अब इसमें हम ये भीगे हुए चावल मिला देंगे, तो ये 10 मिनट के लिए हमने इसको भिगो दिया था और सारा जो पानी है वो हमने निकाल लिया है। तो ये हम डाल देते हैं मसाले में। तो ये सारा चावल हमने मसाले में डाल दिया है, गैस को हम मीडियम कर लेंगे। और ये चावल हमारा भीगा हुआ है तो इसको हमें बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है, वरना जो आपके चावल के दाने हैं वो टूट जाएंगे। और हल्के हाथ से इसको मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे, इससे जो चावल है मसाले में अच्छे तरीके से सिक जाएगा। तो इस तरीके से जो भुना हुआ वो चावल है वो टेस्टी भी लगता है और बिल्कुल खिला खिला आपका पुलाव बन के तैयार होगा। तो बस ध्यान रखना है कि थोड़ा हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे ताकि चावल हमारे बिल्कुल खड़े खड़े रहें। मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट इसको हम इसी तरीके से थोड़ा सा भून लेते हैं। ये जो राजस्थान का बहुत ही स्पेशल पुलाव रेसिपी है, तो रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। तो ये हमने 1 मिनट के लिए मिक्स करते हुए चावल को मसाले में भून लिया है, बहुत ही शानदार हमारे चावल का कलर आ गया है, देखिए एकदम परफेक्ट। तो अब इसमें हम 1 कटोरी हमने राइस लिए थे तो उसका दुगुना हम पानी डाल देंगे, क्योंकि 10 मिनट हमने राइस को भिगो के रखा था, तो ये दुगुने पानी में ही पक जाएंगे। अगर आप नहीं भिगो रहे हैं तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल लें। तो ये वही पानी मैं यूज़ कर रही हूँ जिसमें हमने गट्टों को बॉयल किया था, तो इसमें हल्का सा बेसन है तो गट्टे भी हमारे टेस्टी बनेंगे और पानी का भी यूज़ हो जाएगा। तो ये 2 कटोरी नाप के मैंने पानी ले लिया है और ये हम डाल देंगे इस चावल में और गैस को एक बार थोड़ा तेज कर लेंगे, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, एक बार थोड़ा सा उबाल आ जाए पानी में। बहुत ही शानदार कलर आ गया है। तो ये देखिए पानी में उबाल आ गया है, तो इस स्टेज पे आप थोड़ा सा पानी को टेस्ट करके और इसमें नमक को बैलेंस कर सकते हैं। तो अब हम गैस का जो फ्लेम है बिल्कुल स्लो कर लेंगे और इसको ढक देंगे और 2 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे।
तो ये हमने 2 मिनट राइस को पका लिया है, तो हल्के से हमारे राइस कुक हो गए हैं। तो अब इसमें हम ये गट्टे डाल देते हैं और उसके साथ ही हम इसमें ये आलू और ये प्याज जो हमने डीप फ्राई किए थे और ये ड्राई फ्रूट, ये सभी सामग्री हम इसमें ऐड कर देंगे और हल्के हाथ से इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये भी अच्छे तरीके से राइस के साथ सॉफ्ट हो जाएंगे और सभी का जो टेस्ट है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा राइस में। और राइस को हम थोड़ा सा इनके ऊपर कर देंगे और इनको राइस के बीच में हम थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ हमने गट्टे, आलू, प्याज और सभी चीजों को राइस के बीच में थोड़ा सा दबा दिया है और राइस को ऊपर कर लिया है। तो अब इसको हम ढक देते हैं और फ्लेम हम बिल्कुल धीमा रखेंगे और फिर से इसको हम 2 से 2.5 मिनट पकने देंगे बिल्कुल धीमी फ्लेम पर, ताकि जो राइस है वो सारे पानी को सोख ले और बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो जाए। अगर आपको इसमें थोड़ा पानी की कमी महसूस होती है तो 1-2 टेबल स्पून गुनगुना पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे हमारे राइस भीगे हुए हैं तो वो भाप से ही पक जाएंगे, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। तो ये 2.5 मिनट के बाद में हम राइस को चेक करते हैं तो सारा पानी राइस ने सोख लिया है और एक दाने को अगर हम इस तरीके से दबा के देखें तो बिल्कुल इजीली हमारा दाना दब रहा है, यानी कि चावल बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। इससे ज्यादा हम नहीं पकाएंगे वरना राइस हमारे गल जाएंगे, खिले खिले नहीं बनेंगे। तो ये हमारा पुलाव पक के रेडी हो गया है, गैस को हमने ऑफ कर दिया है। तो अब एक बड़े साइज का नींबू का रस हमने निकाल लिया था और इसमें हमने मिक्स कर लिया है, तो इसको हल्के हाथ से हम नींबू के रस को मिक्स करेंगे इस तरीके से। और अब इसको हम ढककर 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देंगे, जिससे कि हल्का सा जो नमी है राइस में वो बिल्कुल सोख लेंगे चावल और बिल्कुल खिले खिले हो जाएंगे, पुलाव अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। चाहे आप नॉर्मल भी राइस बनाते हैं या फिर कोई भी पुलाव बनाते हैं तो पकने के बाद में 15 मिनट के लिए उसे आप रेस्ट दें ताकि वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए, उसके बाद में आप सर्व करें। तो 15 मिनट का हम वेट करते हैं। तो ये 15 मिनट के रेस्ट के बाद में हमारा गट्टा पुलाव बनके बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही शानदार एकदम खिला खिला गट्टा पुलाव हमारा बनके रेडी हुआ है। तो अब इसको हम बारीक कटे हुए फ्रेश हरे धनिए से गार्निश कर देते हैं। तो अब ये गट्टा पुलाव हमारा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप चाहें तो इसे कढ़ी के साथ सर्व कर सकते हैं, दही या फिर रायते के साथ, तो ये बहुत ही शानदार लगता है। तो ये राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध गट्टा पुलाव आप ज़रूर ट्राई करें। कमेंट करके बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको इसी तरीके के नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके के एक नए हेल्दी टेस्टी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।